सो हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आज हम कोरिलेशन फार्मूला जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, कोरिलेशन मतलब जैसे आप कोई दो चीज़ का मतलब आपस में एक रिलेशन के रूप में मतलब चेक कर सकते हैं कि मतलब क्या मतलब हम माइनस में हमारा ये काम हो रहा है या प्लस में, ठीक है। मतलब कह सकते हैं एक परसेंटेज के रूप में, ठीक है। हम चेक कर सकते कोई चीज़ को कि ये मतलब कितने परसेंटेज से हमें मतलब लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इस तरह से हम रिलेशन चेक कर सकते हैं दो चीज़ों में, ठीक है। तो जैसे मतलब इसका मतलब मेनली यूज़ क्या होता है, अभी जब मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है इसको आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे टीवी इंचेस है, ठीक है। तो जैसे टीवी इंचेस मैंने एक तरफ लिखा, एक तरफ सोल्ड लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि जैसे टीवी इंच में मैंने लिखा 32 इंच, यानी 32 इंच की टीवी है, 34 इंच, 36 इंच, ठीक है, 38, 40, 42, ठीक है। उसके सोल्ड उसके सामने लिखा है, मतलब 32 इंच की जो टीवी है वो 34 सोल्ड हुई है, मतलब 34 सोल्ड हुई है, ठीक है। और जो 34 इंच की टीवी है वो 25 सोल्ड हुई, और इस तरह कम होती गई, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब कोरिलेशन फार्मूला क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोरिलेशन फार्मूला लगाता हूँ, ठीक है, हमने लगाया, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, इसके लिए देखिए क्या लिखिएगा आप, इज इक्वल टू को डबल ई एल, तो आ जाएगा कोरिलेशन फार्मूला, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे सेलेक्ट करो, चाहे टाइप करके करो, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे आप दो चीज़ों में कोरिलेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं एरे वन, एरे टू। तो एरे वन में हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे ये जो हमारे टीवी इंचेस है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एरे टू में क्या है, जिससे हमें रिलेशन चेक करना है, ठीक है। तो हमने सोल्ड को सेलेक्ट कर लिया। अब जब हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये -93.09% दिखा रहा है, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे मैंने पहले से सेलेक्ट कर दिया, इसलिए परसेंटेज आ रहा है। आप जब करेंगे तो हो सकता है इस तरह है, अगर आपका नंबर फॉर्मेट आप चेक कर लीजिएगा। कैसे आप चेक करेंगे, मतलब कैसे बदलेंगे, होम टैब में जाएंगे, नीचे जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे नंबर फॉर्मेट में आएंगे, तो जैसे आप अगर मैं जनरल कर दूँ तो कुछ इसी तरह का आपको आंसर दिखेगा जब आप निकालेंगे, कोरिलेशन फार्मूला लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन आप उसको क्या करिएगा, नीचे आइएगा, परसेंटेज पे वो कर दीजिएगा, तो ये आपको परसेंट के रूप में दिखाएगा। इससे क्या पता चल रहा है आपको कि देखिए इसका लॉजिक क्या है कोरिलेशन का, कि जैसे ये क्यों -93% दिखा रहा है, क्यों जान रहे हैं, क्योंकि जैसे 32 इंच की टीवी है वो ज़्यादा बिकी, ठीक है। पर जितनी टीवी के साइजेस बढ़ते जा रहे हैं वो उतने ही कम बिकते जा रहे हैं। तो अब ये इस पर डिपेंड करता है कि ये जो सोल्ड है कि कितने सोल्ड हुए, उनमें कितना डिफरेंस आता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि हम जो है कि माइनस में 93%, मतलब एक तरह से मतलब लॉस में हमारा सेल हो रहा है। क्यों, क्योंकि जितनी बड़ी टीवियाँ हैं वो हमारी कम सोल्ड हो रही है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फर्क आता गया, 34 सेल हुआ 32 इंच, ठीक है, फिर 25, फिर 12, इस तरह करके बहुत ही कम आ गया 5 TVs तक। तो उसके अकॉर्डिंग ये एक्सेल ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बताता है आपको, ठीक है। अब इस चीज़ को हम कैसे चेक कर सकते हैं, अगर मतलब कि कैसे अब ये चीज़ प्लस में कैसे आएगी, मतलब प्लस में कब आएगी, ठीक है, ये हम देखते हैं। तो जैसे वाली 34 है, ठीक है, हमने दूसरे में लिख दिया 45, ठीक है, तीसरे में लिख दिया हमने 55, ठीक है, फिर उसके 62 मान लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद हमने लिख दिया 75, फिर उसके बाद हमने लिख दिया 82। तो देखिए ये क्या हो रहा है, अभी भी अब देखिए क्या हुआ, ये 99.99.74% पर प्लस में, ये चीज़ आप देख सकते हैं, मतलब निगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में। क्यों, क्यों, क्योंकि देखिए ये चीज़ क्या है ना, कि इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि मतलब आपका प्रॉफिट हो रहा है। क्यों प्रॉफिट हुआ और ये कैसे एक्सेल ने समझा, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि जो चीज़ें जितना कम साइज़ की होगी, जैसे कम साइज़ की जो टीवी है वो हमारी मान लीजिए ज़्यादा भी सेल हो रही है तो आपका उतना पैसा नहीं बन रहा है, ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान देंगे, और ये आपको पता ही है कि चाहे मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, कोई भी चीज़ की जितनी स्क्रीन साइज़ बड़ी होगी उतनी वो महंगी पड़ती है, ठीक है। तो जैसे अगर टीवी हमारी 42 इंच की जो है वो हमने 82 सेल किया, तो मतलब समझ रहे हो, उसका अगर हम कंपेयर करें 32 इंच वाली से, मान लीजिए 32 इंच वाली अगर 82 भी सोल्ड हुई होती तो भी वो उसके आगे कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि काफ़ी दोनों के प्राइस में, रेंज में काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिए, तो इस अकॉर्डिंग एक्सेल ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है और दोनों का रिलेशन निकालता है, बताता है कि आपको मतलब पॉजिटिव में आप जा रहे हैं या निगेटिव में जा रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के यही यूज़ होता है कोरिलेशन फार्मूले का, और इसका यूज़ तब किया जाता है जैसे कि आप बहुत मतलब कोई ऐसी जगह वर्क कर रहे हो, या पर जनरली क्या होता है, जैसे आप ऐसी जगह कोई काम कर रहे हो जहाँ पे सेलिंग का काम होता है, ठीक है, वहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपसे कहा जा सकता है कि आप हमको ये बताओ कि हमारा जो टोटल सेल हो रहा है ये मतलब पॉजिटिव में जा रहे हैं हम या निगेटिव में जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप कोरिलेशन फार्मूला लगा सकते हो इस तरह से। तो ये होता है कोरिलेशन फार्मूला। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अब बार बार देखिए, ठीक है, जब तक ना समझ में आया खूब प्रैक्टिस करिए इसको, ठीक है, और अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अब कुछ ही चीज़ें ऐसी बची हुई है और फार्मूला जो मैं बताऊँगा आने वाली क्लासेस में,
तो आई होप आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। उनके साथ भी जरूर शेयर करिए जिन्हें एक्सेल सीखना है मोबाइल में, ठीक है, क्योंकि हर किसी के पास ज़रूरी नहीं कि लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप हो, ठीक है, लेकिन मोबाइल हर किसी के पास है और अगर कोई सीखना चाहता है तो आप ज़रूर उसके साथ शेयर ज़रूर करिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइनिंग ऑफ, पीस।